गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आर न्यू ब्लॉग। आज मिस्टर रॉय का बर्थडे है, इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ मंदिर, उसके साथ ही जाऊँगी। और मतलब सभी का मूड थोड़ा सा आज ऑफ है, क्यों ऑफ है वो सब मैं बाद में बोलूँगी, पहले जाके पूजा देती हूँ, उसके बाद शायद को शेयर करती हूँ। लंकेश्वरी मंदिर आ चुकी है, यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, अभी घर जाऊंगी। पूजा और मैंने वीडियो नहीं किया क्योंकि यहाँ मंदिर में थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी करके निकलना पड़ रहा है। मतलब इसलिए मंदिर से आके एक बार मैं खाना वाना खा लिया, मतलब दोपहर का खाना वाना खा चुकी हूँ। खाना बना के खाना वाना सब लोग को खिला के फिर मैं भी खा चुकी हूँ, आदि को भी खिला दिया। अभी मेन बात बोलती हूँ, मतलब सबका मूड ऑफ है, क्यों ऑफ है, क्योंकि कल मम्मी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब हॉस्पिटल ले जाने जैसा सिचुएशन हो गया था। वो 108 वेट ला के, मतलब क्या बोलूँ, वो सब ना याद करती हूँ तो फिर से डर लगता है। मम्मी जी को कल मतलब क्या हुआ, प्रेशर भी हाई था, पहले भी एक बार मम्मी जी का माइनर स्ट्रोक हो चुका है होली के टाइम पर, इसलिए मेरा कोई होली ब्लॉग नहीं है, होली के दिन ही हुआ था। फिर कल मतलब हुआ कि मम्मी जी का प्रेशर तो हाई था ही, शुगर भी है तो शुगर भी हाई था, और क्या हुआ, गैस एकदम पूरा मतलब सर पे उठ गया था। उठ के ना मम्मी जी सांस भी नहीं ले पा रहे थे, सांस मतलब ले ही नहीं पा रहे थे, तो मतलब इमीडिएट ऑक्सीजन की मतलब ज़रूरत थी मम्मी जी को। फिर मैं घर पे अकेली थी मम्मी जी के साथ, मैं मतलब जल्दी जल्दी कल उसको, फिर मैंने कल संडे था इसलिए वो घर पे ही था, उसको मैंने बुला फ़ोन करके, मतलब जल्दी जल्दी बुलाया। फिर वो आने के बाद मतलब 108 फ़ोन किया, चाचू लोगों को फ़ोन किया, सबको फ़ोन फोन करके ला के फिर मम्मी जी को इमीडिएट मतलब हुजे लेके जाना पड़ा। फिर जाके वहाँ पे इंजेक्शन दिया और वो सब दिया, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया, तब जाके अभी ठीक है। ठीक है मतलब कि अभी भी मतलब बेड पे रेस्ट में है, तो इसलिए सभी का मन सन ना ठीक नहीं है, तो ऐसे में उसका बर्थडे है, तो जो भी हो ऐसे तो मन तो ख़राब है ही, तो उस वजह से साल में एक दिन आता है, वो भी वेस्ट कर दे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटा मोटा करके शाम को एक केक कटेंगे बस भाई। तो वही अभी जाऊँगी मार्केट में फिर से पापा के साथ, गोपलू के लिए भी कुछ चीज़ें लाना था, तो वही सारा कुछ एक बार मैं शॉपिंग करके आऊँगी तभी निकलती हूँ, रेडी होती हूँ। पहले जा रही हूँ पापा के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेनली मैं जा रही हूँ मतलब उसका केक और वो सब लाने के लिए, गोपलू की चीज़ें पापा को इतना आइडिया नहीं है ना, तो वो इसलिए मैं जा रही हूँ। सबसे पहले आई हुई यहाँ पे काजू किशमिश वो सब लेने के लिए गोपलू के लिए, तो पापा ले रही है फिलहाल, और मैं ना इस वाले मार्केट पर आज फर्स्ट आई हूँ, ये शायद सब्जी वाला लाइन पर है। केला लेने के लिए, और यहाँ पे देखे एक ने अगर काट लिया ना तो खत्म। राखी ले लेती हूँ शंटो के लिए और गोपलू के लिए भी, गोपलू मतलब हम लोगों के घर पे जो गोपलू उनके लिए। हमने देखे उनका क्या रूम दाम और उसके लिए ना कॉटन की ड्रेस ढूंढ रही, क्योंकि गर्मी में कॉटन की ड्रेस पहनाने से अच्छा लगेगा।
शर्ट लेके जाती हूँ गिफ्ट, तो वही लेने आई हूँ। फिर केक भी लेने जाना है। केक भी ले लिया हूँ, अभी घर जा रही हूँ। अभी आई हूँ थोड़ा सा चीजें लेने के लिए स्टेशन है दुकान पे। पापा कुछ चीजें लेगा घर के लिए और मेरे को उपयोग के लिए चॉकलेट। चॉकलेट दो ना, चॉकलेट और जो मांस दो। दूसरा दीवार है हाँ, एक मेरी आदि के लिए, एक गोपियों के लिए। घर आ गई हूँ, आदि भी उठ चुका है। अब उसको मैं कुछ खिलाऊंगी, खिला के फिर वो आने के बाद केक कटेंगे। वो उसको पता भी नहीं है, वो तो ऑफिस में है। आने के बाद कटूंगी केक को। भी फ्रिज में रख देती हूँ वरना पिघल जाएगा। की कौन सा हम लोग अंदर बात कर रहे हैं, वो आके चुपचाप से ये सब कर रहा है। गोपाल चूल को था है। अदु 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 अच्छा का बर्थडे, का बर्थडे पापा बोलो पापा। अदु 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 बैठा। अदु आज के का बर्थडे, का बर्थडे बोलो। गिजी 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 गिजी, उसको इतना गुदगुदी आती है ना, गिजी गिजी गिजी। अदो दादा दादा दादा, हम चल जाच्छी, हम चल जाच्छी दादा। पापा पापा ही छे, पापा ही छे। वो बस मतलब उसका बाइक का आवाज सुनने से ऐसे भागेगा ना बिस्तर से उतर के। पापा ही छे, पापा ही छे, पापा ही छे। ओ आस्ते 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 आस्ते। ये रहा केक, लाके रखियो। केक तो अच्छा ही बनाया मैं ना पूरा, मतलब जहाँ से बनाती हूँ रिम्पा दी के ऊपर छोड़ देती हूँ, वो खुद से बना देती है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब तो सिंपल सभी केक काटेंगे और वो मम्मी जी को लेके आ रही है। मम्मी जी को थोड़ा सा, मम्मी जी के पास बैठा था आके ऑफिस से, तो दोनों आ रही है। अदो अदो केक केक, आदि केक देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्या बोलूं। अदो केक तुम खाबे, इता इता की केक। ओ केक केक देख के हम लोग वेट नहीं कर पा रहे आदि। ना बाबा तुम नष्ट कर दे रहे हो काम, खाना खुले बसो, खुले बसो। আমরা খাবো, কি খাবো? ওকে পাপাকে ডাকো, পাপাকে ডেকে আসো, পাপাকে ডেকে আসো, যাও পাপা কেক কাটতে আসো। বার্থডে বয় রেডি, নয়া টি শার্ট বিশার্ট প্যান্ট কে টি শার্ট পছন্দ। আর আদি কো দেখে উফ, আদি ওরে ধরো তো, কোথায় যাচ্ছিস? की चाहिए? वो बोला था केक वे कुछ भी मत लाना, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए छोटा मोटा करके। अदु केक खाबे तुम्हें? ओके दादा Thank you.
आधी खुद से लेके खा रही है। फोटोग्राफर उसकी मेहनत दिखाने के लिए बोल रही है। आमी 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 एबार आमी फोटो तुलबो। कब से केक खिलाने के लिए बैठी हूँ, फोटो उठने के बाद खिलाऊंगी। बाबू एक्टिव हो। केक का जो टेस्ट है ना, मतलब इतना ज्यादा वाव है कि क्या बोलूं। मैं फैन हूँ इनका केक का। मतलब लंका में किसी को भी अगर केक चाहिए ना तो रिम्पा दी से केक जरूर लाना। बहुत ज्यादा टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा। किसी को अगर कॉन्टेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बोल दूंगी। अभी रख दी तू फ्रिज में, आदि की वजह से फोटो नहीं उठ पा रही हूँ ठीक से, वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। केक से काट लिया थोड़ा सा, सबका मूड फ्रेश हो गया है। मतलब कल का जो एक झटका लगा था उससे मतलब थोड़ा सा निकल पाए। तो अभी मैं आदि को खिलाऊंगी, खिला के हम भी खाएंगे। दोपहर को पापा आज चिकन लाए थे, लोकल चिकन, वो मैंने बनाया था, तो वही अभी वो सब है। तो सब लोग मिलकर भी खा के सो जाएंगे। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे पता है मैं रेगुलर नहीं हूँ, मतलब क्या बोलूँ अभी और सब बोल के क्या फ़ायदा। जो भी हो, वीडियो मतलब देने की तो कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है आदि की वजह से। आदि बहुत ज़्यादा शैतान होंगे। जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, बेस्ट विशेज भेजना मिस्टर रॉय के लिए, क्योंकि उसका भी ज़रूरत है। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है मम्मी जी की वजह से। वो मतलब हम लोग घर में किसी को कुछ भी होने से ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन कल का सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा डर गया है, इसलिए मतलब उसका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब था। अभी थोड़ा सा ठीक है। जो भी हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भी ठीक है, आज के लिए आ जाती हूँ। टाटा।